नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। सलाह और सलाहकार टॉपिक का नाम है। सलाहकार कैसा होना चाहिए और किस टाइप की सलाह को अपन सही मान लें, या सलाह देते समय या लेते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इसका सबसे पहली बात तो ये है कि सलाह का विषय भरोसे के ऊपर टिका रहता है। आपको किसी से भरोसा है तो आप सलाह उसी लो, अदरवाइज आप ऐसे व्यक्ति से सलाह ले रहे हो जिसको आप नहीं जानते तो क्या मसले बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार आपने जो सलाह दी हमारे काम आई है, तो उसकी उसका एक असली रीजन ये है कि सलाह आपने आधी अधूरी ली होगी। सलाह जब भी दो या लो, पूरी सलाह दो। अब लोग आगे इसमें क्रॉस क्वेश्चन उठाते हैं कि सर आपने जो सलाह दी है उस सलाह को मिटाने के लिए कोई सलाह नहीं दी, तो ये एक वाहियात किस्म का सवाल है। आप पूछेंगे कैसे? आप जब भी किसी के बारे में कोई सलाह देते हैं वो अपने आप में पूरी होती है, और उसका मिट जाना उसके अंदर ही निहित होता है। आप सलाह क्यों मांग रहे हो या दे रहे हो? क्योंकि आपको कोई कार्य करना है। यदि आप उस सलाह को अप्लाई नहीं करोगे, कार्य नहीं करोगे, तो वैसे भी अपने आप में मिटा हुआ है वो मामला। उसको मिटाने के लिए अलग से सलाह देने की आवश्यकता है ही। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक बिजनेस खोलना चाह रहे हैं उसके लिए आप सलाह लेने आए हैं। आपने सलाह ली, आपने बिजनेस खोला, आपका बिजनेस चल रहा है। अब आप इतना चल रहा है कि अब आप झेल नहीं पा रहे उसको, तो अब आप ये सवाल नहीं कर सकते कि सर इसको मिटाने के लिए कोई सलाह दे दो। तो ये वाहियत सवाल हो जाता है इस टाइम पर। इस आपने जो सलाह दी उस पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया और वो इतना चल रहा है कि अब हमसे संभल नहीं रहा, तो फिर ये आपकी खामियां मानी जाएगी। तो ये सब वाहियत बातें होती हैं, भ्रम भ्रांतियाँ होती हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब भी आप सलाह दो या सलाह लो, वो सलाह को सही से समझो। वो सलाह जो दी जा रही है या ली जा रही है अपना संपूर्ण अस्तित्व रखती है। जिस कार्य को ध्यान में रख करके हम सलाह दे रहे हैं या सलाह ले रहे हैं, क्या वो उस कार्य की डिमांड को पूरा करती है, तो उस सलाह पर उस सलाह को लागू करो अपनी लाइफ में। उस सलाह को मानो, उस सलाह के ऊपर अपनी राय बनाओ और उस सलाह को समाज में अप्लाई करो। ये एक मसला रहता है। अब लोग आप बोलते हैं किस टाइप के व्यक्ति से हम सलाह लें, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप जिस कार्य को करना चाह रहे हो उस कार्य से संबंधित व्यक्ति से सलाह लो, जिसको एक लंबा अरसा हो चुका है उस कार्य को करते रहने का। परंतु इस बात का ध्यान रहे कि जिस इंसान से आप सलाह ले रहे हो वो वास्तव में उस चीज का ज्ञानी आदमी है, उस चीज के बारे में ज्ञान रखता हो, उस चीज का व्यक्तित्व धारण करता हो अपने अंदर। अदरवाइज एक किसान ऐसा भी है जिसको किसानी का संपूर्ण ज्ञान है, परंतु उसको ये नॉलेज नहीं है कि यार बरसात के ऊपर ही निर्भर रहना अकलमंदी नहीं। वो फिर भी बरसात के ऊपर निर्भर रहता है और फिर परिणाम गलत आता है। इस टाइप के व्यक्तियों को सलाह नहीं लेनी। सलाह हमेशा ऐसे व्यक्तियों से लो जो उस चीज़ को अपनी लाइफ में भी अप्लाई करके बता सकें कि मैं जो सलाह दे रहा हूँ ये तो मैं आपके लिए सलाह दे रहा हूँ, परंतु यदि मेरा कभी मूड हुआ इस सलाह पर कार्य करने का तो मैं ज़रूर अपना लूँगा इस सलाह को। सलाह हमेशा ऐसे व्यक्ति से लेनी चाहिए और इस टाइप की सलाह लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति सलाह दे रहा है वो स्वयं भी वक्त आने पर उसे स्वयं के लिए अप्लाई कर पाए। वरना तो लोग सलाह देते ऐसी हैं कि बाकी तो लोग अप्लाई कर लेते हैं, परंतु जो व्यक्ति सलाह दे रहा है वो स्वयं अपनी लाइफ में अप्लाई कभी नहीं करता। ऐसी सलाह बेवकूफ़ी वाली होती है। उदाहरण देता हूँ, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मान लो कि मैं सलाह दे रहा हूँ, मैं भी एक इंस्टीट्यूशन का मालिक हूँ, मैं सलाह दे रहा हूँ कि साहब आप टूथब्रश का बिजनेस खोल लो या टूथपेस्ट बनाने की कंपनी डाल लो। ये सलाह दे दी मैंने। अब पता चला वो व्यक्ति ने उस सलाह को गलत मान लिया, उसने कोई और बिजनेस खोल लिया,
सलाह पे काम नहीं किया, उसने कोई और बिजनेस खोल लिया और उसका बिजनेस चल पड़ा। अब बात आती है मेरी कि मैंने एक सलाह दी थी, उस सलाह पे उसने काम नहीं किया। अब मैंने भी अपना इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था, पता चला वो भी नहीं चला। तो अब मैं जो सलाह दे रहा हूँ उस सलाह पर मैं भी कार्य कर सकता हूँ। कोई और कंपनी खोले चाहे नहीं खोले, मैं तो टूथपेस्ट बनाने की कंपनी खोल लूँगा, क्योंकि मैंने सलाह इस तरीके से दी। तो हमेशा सलाह इस तरीके से होनी चाहिए कि स्वयं भी वक्त आने पर उसका उसको यूज कर सके, उस सलाह पर अमल कर सके। और दूसरा फैक्टर ये है कि सलाह को कितना माने, तो ये आपके विवेक बुद्धि पर डिपेंड करता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर आपने सलाह दी थी तो सारा करता धरता आप ही बन गए, अब सब कुछ आप ही करो क्योंकि आप सलाह दे रहे हो। ये भी एक बाह्यत बात है, बेवकूफ़ी वाली बात। क्योंकि मैं सलाह दे रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि फंड भी मैं ही लगाऊँ आपके बिजनेस में, उस बिजनेस का मार्केटिंग भी मैं ही करूँ, सामान का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी मैं ही करूँ, उससे कमाई धमाई भी मैं ही करूँ, लाभ हानि टैक्स सब कुछ मैं ही करूँ, और बाकी जो लाभ होता है या बचत होती है या जो मैं इनकम कर रहा हूँ अपने सलाह से वो सारी इनकम आपको दे दूँ। ये तो मतलब महाबेवकूफ़ी हुई। चूँकि मैं सलाहकार बन के सलाह दे रहा था इसलिए मुझे सब कुछ करना पड़ गया और लाभ का सारा हिस्सा आपको देना पड़ गया। ये तो एक बुद्धिहीन वाली बात हुई। अब ऐसे ही यह मामला कि मैं कहीं सलाह मांगने जा रहा हूँ, क्योंकि उसने सलाह दी थी इसलिए मैं अपना सारी संपत्ति उसको दे दूँ क्योंकि वो सलाह दे रहा था, ये भी गलत। हम सलाह मांगने गए थे मतलब एक आइडिया मांगने गए थे, एक ऐसा आइडिया जो आप स्वयं के लिए तो अप्लाई करोगे ही, साथ में उस आइडिया को हम भी अप्लाई कर लें। मतलब आप अपना भला तो कर ही रहे हो, साथ में हमारा भी भला होगा। इस बात की हमने कंसल्टेंसी फीस दी थी आपको, ये एक मसला बनता है पूरा कि आप एक प्रोफेशनल तरीके से परफेक्शन को ध्यान में रख करके कैसे कार्य करते हैं। अदरवाइज कभी कभी होता ये है कि सलाहकार कुछ इस किस्म के हो जाते हैं, क्योंकि मैंने सलाह दी थी या क्योंकि मेरे परिचित से मैंने सलाह दिलवाई थी इसीलिए आपका उस सलाह के ऊपर कोई अधिकार नहीं बनता है, ये गलत बात है। जो व्यक्ति सलाह लेने आया है वो सलाह लेने आया है न कि सलाह बनवाने। आपके पास बनी बनाई कई सलाह, आपका तो प्रोफेशन ही हो कि आप लोगों को सलाह देते हो। फॉर एग्जाम्पल टीचर प्रत्येक स्टूडेंट को ये बताता है कि इस एग्जाम में इस सवाल का जवाब इस तरीके से देना तो पास हो जाओगे आप शायद, अदरवाइज आपके फेल होने के 100% चांस है। अब बात आती है कि आप जो सलाह दी गई है या ली गई है उसको मिटाने के लिए सलाह बनानी जरूरी है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका एक बिजनेस स्टार्ट करवाता हूँ, मैंने आपसे कहा कि आप फलानी जगह चले जाएं, नर्मदा नदी के किनारे चले जाएं, वहाँ रेत होती है, वहाँ जाने के पहले आप गवर्नमेंट में जाकर के लाइसेंस ले लें, आपको वहाँ से रेत उठाने का लाइसेंस मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ रेत बनाने का लाइसेंस तो होता ही नहीं, नदी की रेत उसका लाइसेंस यही मिलता है कि आप गवर्नमेंट की वहाँ संपत्ति पड़िए, आप उसमें से थोड़ा सा भी सपना रख लो, पैसे जुटा लो, ऊपर पैसे जुटा करके उसमें से अपना एक अंश रख लो, उससे बिजनेस स्टार्ट कर लो, उससे बिजनेस कर लो, ये गवर्नमेंट से समझौता कर लो पहले, वहाँ नर्मदा नदी के किनारे जाओ, वहाँ की रेत उठाओ और उसको बेचो, आपकी एक दुकान डाल लो, वहाँ पर आपका संपर्क सूत्र रख लो। तो होगा ये कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, आप एक कॉन्ट्रैक्टर बन जाओगे, आप बढ़िया अपना रेत बेचो। अब आप ये कह रहे हो कि सर वो सब तो ठीक है पर उसको मिटाने की भी सलाह दो, तो अभी एक बेवकूफ़ी वाली बात है। आप अपने बिजनेस को मिटाने की बात का आइडिया चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने जो गवर्नमेंट के साथ समझौता किया आप उसको मिटाने की बात चाह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप गवर्नमेंट को मिटाने की बात चाह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप नर्मदा नदी की वो पड़ी हुई रेत मिटाने की बात चाह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप नर्मदा नदी को ही मिटाने की बात चाह रहे हैं, क्योंकि एक आइडिया तो सभी जगह पर लागू होगा ना भाई, मिटाना मतलब क्या।
वही हुआ। तो इस तरह की जो ख्याल आते हैं उसे शेख चिल्ली के ख्याल कहते हैं, कि इस तरह के जो सवाल पूछते हैं जब क्लास में बच्चे, तो उसे कहते हैं कि शेख चिल्ली बैठा है इनके दिमाग में, वो सवाल पूछ रहा है, न कि बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। इस तरह के सवाल जो होते हैं वो बहुत पेचीदा होते हैं, नहीं आते समझ। जब भी कोई सलाह दी जा रही होती है उसके अंदर ही निहित होता है कि वो अपने आप मिट जाएगी अगर आप उसको करना छोड़ दोगे। तो ऐसे टाइम पे आपको एक काम करना चाहिए, एक प्रसिद्ध देवता हैं अपने सबसे बड़े बाबा भोले भंडारी, उनका आइडिया फॉलो करना चाहिए कि यदि आप कोई कार्य नहीं करते हैं तो वो चीज़ स्वयं ही अपने आप मिट जाती है। देखते रहें सिकंदर वर्ल्ड, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।